अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत ही मज़ेदार, चटखारेदार और बहुत ही टेस्टी मिक्स अचार की रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, जो कि मेरी मामा बनाती हैं। और इतना लजीज ये अचार होता है और इतना इजी है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी मामा की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो ये मिक्स अचार कैसे बनता है, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 किलो कैरी ले ली है, उसके बीज निकलवा के मीडियम साइज़ के क्यूब में कट कर लिया है। इसको कैरी को अच्छे से वॉश करने के बाद ही आप मीडियम साइज़ में क्यूब्स में कट कर लीजिएगा और फिर इसको ड्राई कर लीजिएगा मुकम्मल तौर पे कैरी को। बेसिकली ये रात का टाइम है और मैं ओवरनाइट के लिए इसमें हल्दी और नमक लगा के रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने कैरी को अच्छे से ड्राई कर लिया है और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के जो है नमक ऐड कर दिया है और 1 टेबल स्पून ही हल्दी। आप इसको ओवरनाइट रखिएगा तो ये है कि नमक और जो कैरी अपना पानी है वो रिलीज़ करेंगे, तो वो पानी भी हम अचार में शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैंने जो है बड़ी वाली ग्रीन चिलीज़ ले ली है। ग्रीन चिलीज़ को भी अच्छे से धोने के बाद मैं ड्राई कर रही हूँ टिश्यू से। और बस अच्छे से ये ड्राई हो गई तो मैं जो हूँ सारी चिलीज़ में जो है बीच में कट लगा रही हूँ, ताकि ज़बरदस्त सा जो मसाला है वो हमारे अंदर ग्रीन चिलीज़ के अंदर तक पहुँच जाए। ये देखें, और यहाँ पे भी मैंने ग्रीन चिलीज़ में नमक और हल्दी लगा दिया है 1 टीस्पून। और बस इसको भी मैं साइड में कर दूँगी। और यहाँ मैंने जो है 1/2 किलो जो है लेमन ले लिए हैं। लीमू को मैंने बीच से कट कर लिया था। हरी मिर्ची भी हमारी 1/2 किलो थी, लेमन भी 1/2 किलो हैं, और ये जो गाजर है ये भी मैंने 1/2 किलो ही ली है। गाजर को भी मैं लंबाई में काट लूँगी, जिस तरह अचार में गाजरें मौजूद होती हैं। और ये सब मैं रात में ही काम करके जो है इनको ढककर फ्रिज में रख दूँगी। और जो कैरी में हमने नमक और हल्दी लगाया है उसके नीचे प्लेट ज़रूर रख दीजिएगा। और ये अगले दिन मैं जो हूँ अचार बनाना रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक पॉट ले लिया है, फ्लेम मेरा मीडियम पर है, और मैंने 1 किलो इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैं ऑयल में 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम मत करिएगा, थोड़े से नॉर्मल ऑयल हो, जैसे नीम गरम हो, तो उसमें आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें, वरना बहुत ज़्यादा छींटे आती हैं अगर गरम ऑयल में आप डाल देंगे तो। और यहाँ पे मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है। अगर आप सरसों के तेल में बनाना चाह रहे हैं अचार, तो आप जो है सरसों के तेल में बना लें। मुझे पर्सनली सरसों के तेल में पसंद नहीं है। और ये ओवरनाइट जो हमने कैरियाँ रखी थी, देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। और ये मैं सबसे पहले कैरी ऐड कर रही हूँ ऑयल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो कैरी लेती हैं गलने में। ओवरनाइट रखने की वजह से कैरी ने अपना पानी भी छोड़ा नमक के साथ, तो ये पानी भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी कैरी के साथ। और अच्छे से मिक्स करेंगे, तकरीबन 10 मिनट तक कैरी को हम गलने देंगे। मैंने इस मिक्स अचार को बनाने के लिए बाहर से भी एक अचार का मसाला मंगवाया था, और आप लोग भी ज़रूर मंगवा लें, तो ये है कि ज़बरदस्त अचार बनता है फिर। और ये जो मिक्स अचार का मसाला था, ये मैंने 1 पाव मंगवाया था। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी तवे पर। दूसरे फ्लेम पर मैंने जो है एक फ्राई पैन ले लिया है, और इस मसाले को, अचार के मसाले को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इस मसाले को बस आप मीडियम फ्लेम पर जो है लाइट सा कलर आ जाए तो आप उतार लें। और यहाँ पर हमारी कैरियों में भी बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। और दूसरे फ्लेम पर मैं जो हूँ मसाला ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इन कैरियों को मैं कवर कर दूँगी तकरीबन 7-8 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए हमारी कैरियाँ। आफ्टर 8 मिनट्स हमारी कैरियाँ काफ़ी हद तक तकरीबन 70% गल गई हैं। तो बस इसी पॉइंट पर मैं गाजरें ऐड कर दूँगी, क्योंकि गाजर भी थोड़ा टाइम लेती है गलने में। तो ये गाजरें मैं जो हूँ इसमें ऐड कर रही हूँ। वहाँ पर दूसरे फ्लेम पर हमारा मसाला ड्राई रोस्ट हो गया था, तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। और बस अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसी पॉइंट पर मैं जो हूँ घर के मसाले ऐड कर दूँगी, जो कि है 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी, जो कि अचार में बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर ले आती है। आप सभी को पता होगा कि कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती, तो मैं जस्ट कलर के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ कि ख़ूबसूरत सा कलर हमारा अचार पे आ जाए। और बस अब मैं इसको कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी गाजरें भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ और कैरियाँ भी उसके साथ गलती रहेंगी। आफ्टर 10 मिनट्स हमारी गाजर भी ऑलमोस्ट गल गई हैं अच्छे से, और देख सकते हैं आप कि कश्मीरी लाल मिर्च से कितना ज़बरदस्त कलर आया है।
अच्छे से इसको मिक्स करना है। और मैंने एक प्याले में जो है इमली को भिगोकर रख दिया था ओवरनाइट ही, और उसका पल्प या पानी जो है, ये देखें इमली का पानी मैं एक कप इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्लेम इस टाइम मैं हाई कर दूँगी क्योंकि इमली का पानी और जो मैं हाफ कप सिरका इसमें ऐड करूँगी तो वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो हाई फ्लेम पर हम अचार को पकाते भी रहेंगे और सिरका और जो इमली का पानी है वो भी ड्राई होता जाएगा। और बस इसी पॉइंट पर मैं जो हूँ ये लीमू कटे हुए भी इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि लीमू भी अच्छे से हमारे गल जाएँ। हरी मिर्चें मैं बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी क्योंकि हरी मिर्चें बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। और बस अब आपने अचार को कवर नहीं करना है, हाई फ्लेम पर ऐसे ही इसको पकाना है। स्पून आपने थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहना है अचार में क्योंकि हमारा फ्लेम हाई है तो कहीं हमारा नीचे अचार लग ना जाए। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी पूरे किचन में अचार की, और आप ये देख सकते हैं तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं और ज़बरदस्त से हमारे लीमू भी गल गए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता करके हमारा जो इमली और उसका सिरके का पानी है वो भी ड्राई हो गया है, ये देखें। और बस मैं इस पॉइंट पर हरी मिर्च ऐड कर दूंगी और वो जो हमारा अचार का मिक्स स्पाइस है वो भी ऐड कर दूंगी। फ्लेम मेरा अभी भी हाई है और यहाँ मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हरी मिर्चों के साथ ही मैं ये अचार का मसाला भी ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने घर के मसालों में जो है नमक अभी ऐड नहीं किया है क्योंकि कैरी में भी नमक लगा हुआ था और हरी मिर्चों में भी, तो नमक मैं एंड में चेक करूँगी, अगर ज़रूरत हुई तो मैं ऐड कर दूँगी और अगर नहीं हुई तो हम नमक नहीं ऐड करेंगे। तो लास्ट में जब अचार मुकम्मल हो जाए तो आप टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा कि मिर्चें और नमक अगर ज़रूरत है तो आप ऐड कर दें। और बस हाई फ्लेम पर मैं इसको जो अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा और कुक करूँगी ताकि हमारी हरी मिर्चें सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ मैंने थोड़ा सा मसाला चेक किया था तो मुझे नमक और मिर्चें दोनों थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून क्रश मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है मसाले में स्पाइस ऐड कर सकते हैं। और बस अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे। जब ये हमारा मसाला रेडी हो जाएगा तो आपको थोड़ी सी इसमें एहतियात ये करनी है, जिस जार में आप ये अचार भरेंगे तो वो जार बहुत अच्छे से साफ़ होना चाहिए और बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। तो पहले से ही जार को बहुत अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा। और अगर घर के यूज़ के लिए आप अचार निकाल रहे हैं तो एक छोटी बढ़नी में अचार को रख लें ताकि वो यूज़ हो जाए घर में, और अगर वो ख़त्म हो जाए बढ़नी में तो आप रीफ़िल कर लें बड़ी बढ़नी से। और यूज़ किया हुआ अचार बिल्कुल भी नए अचार में मत ऐड कीजिएगा, इससे ख़राब होने का ख़तरा रहता है अचार। और बस ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा अचार ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ। इस अचार को बहुत अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा इसी देगची में रख के, और फिर आप किसी भी जार में इसको भर सकते हैं। और ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये अचार रेडी हो गया था। इस मिक्स अचार को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार फिर ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।